शुरू किया था द चैप्टर कोलिजन। सो हमने कोलिजन चैप्टर को शुरू किया था। तो कोलिजन चैप्टर हमारे पास क्या बोला मैंने, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन द मासेस। हमारे पास इंटरेक्शन विद द मासेस होती है, द इंटरेक्शन बिटवीन मासेस आपके पास रहती है, और ये इंटरेक्शन विद मासेस क्या करती है, एटलीस्ट the momentum of one of the body, at least the momentum of one of the body, one of the body is altered or changed। यानी कि एक बॉडी का, at least एक बॉडी का momentum या तो आप alter कर दो या फिर आप उसको change कर दीजिए। और इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाती है, The change of the momentum, जो हमारे पास momentum के अंदर change आ रहा है, is due to the application of large force during collision, during the collision। तो हमने ये चीज पिछली बार भी समझ ली थी, इस बार हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूटी बने। तो कोलिजन के अंदर हमारे पास क्या बताया गया था, एक टारगेट होता है और एक प्रोजेक्टाइल होती है। टारगेट वो जिसको हिट किया जाएगा, प्रोजेक्टाइल वो जो हिट करेगी। ये पी मतलब प्रोजेक्टाइल, टी मतलब हमारे पास टारगेट। ये प्रोजेक्टाइल सबसे पहले टारगेट को हिट करने के लिए आगे भागेगी और टारगेट भी आगे की तरफ को जा रहा है। और हमारे पास यहां पर अगर देखा जाए तो इसका मास मेरे पास आ गया m1, इनिशियल वेलोसिटी u1, मास प्रोजेक्टाइल का m2 और वेलोसिटी आ गई u2। अब देखते हैं यहां पर मेरे पास कोलिजन हुई और कोलिजन के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद इन दोनों के मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा। M2 जो कि प्रोजेक्टाइल है, मेरे पास ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रही, मैं क्या बोल रहा हूँ कोलिजन के बाद क्या होगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कोलिजन के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो ये V2 मीटर पर सेकंड है आपके पास, ये V2 मीटर पर सेकंड है बच्चे आपके पास, और ये मेरे पास यहाँ पर किसके बराबर आ जाएगा, ये M2 के बराबर है। इसके बाद मेरे पास ये टारगेट आ गया T और ये मास आपके पास M1 से चल रहा है और इसकी वेलोसिटी मेरे पास कितनी आ गई, V1 मीटर पर सेकंड आ गई, V1 मीटर पर सेकंड बच्चे हमारे पास आ गई। तो मेरे पास यहाँ पर क्या, ये कोलिजन से पहले की कंडीशन है, बिफोर द कोलिजन, और ये मेरे पास आफ्टर द कोलिजन की कंडीशन है, ये आफ्टर कोलिजन के हमारे पास कंडीशन है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास इसके बीच में कहीं पर कोलिजन हुआ। कोलिजन करने के लिए सबसे पहले जो प्रोजेक्टाइल है वो टारगेट को अप्रोच करती है, ये टारगेट को अप्रोच करेगी, नहीं अप्रोच करेगी तो इनके बीच में कोलिजन नहीं होगी। और आफ्टर द कोलिजन, इन दोनों की अगर सेपरेशन नहीं होगी तो ये दोनों की दोनों चीजें अलग नहीं हो पाएंगे और अलग अलग वेलोसिटी से नहीं चलेंगे। तो हमारे पास बिफोर कोलिजन अगर देखा जाए कौन सी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तो आपके पास प्रोजेक्टाइल की स्पीड टारगेट से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अगर प्रोजेक्टाइल की स्पीड टारगेट से ज्यादा नहीं है तो प्रोजेक्टाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाएगी, लॉजिक है। और सेपरेशन के लिए आपके पास टारगेट की स्पीड क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन दी प्रोजेक्टाइल, नहीं तो ये अलग नहीं हो पाएंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, समझना और सीखना हमने क्या कि हमारे पास कब और कैसे आपके पास कोलिजन होती है। यहां पर प्रोजेक्टाइल की स्पीड ज्यादा है और टारगेट की कम है, नहीं तो बच्चे हिट कैसे। अगर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर टारगेट को आप ज्यादा स्पीड दे दो, तो टारगेट अगर ज्यादा स्पीड से चलेगा और प्रोजेक्टाइल कम स्पीड से चलेगी तो क्या कभी ये प्रोजेक्टाइल टारगेट को हिट कर पाएगी, कभी भी नहीं।
यह कभी भी हिट नहीं कर पाएगी, इसलिए प्रोजेक्टाइल की स्पीड आपके पास कोलिजन से पहले ज्यादा होनी चाहिए, और सेपरेशन करने के लिए टारगेट की स्पीड प्रोजेक्टाइल से ज्यादा होनी चाहिए। यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के बीच में कहीं पर हमारे पास कोलिजन होती है, मतलब हमारे पास यहां पर अगर फोर्स बिटवीन द मासेस देखा जाए और बच्चे हमारे पास टाइम इंटरवल को देखा जाए, तो हमारे पास यहां पर ये इस तरीके से फोर्स राइज करके फॉल कर जाती है, यानी कि ये हमारे पास बिफोर की कंडीशन है और ये मेरे पास आफ्टर की कंडीशन है, ये मेरे पास बिफोर की कंडीशन है और ये आफ्टर की कंडीशन है, और ये हमारे पास डेल्टा टी क्या है, वो टाइम जिसके अंदर आपके पास कोलिजन हुई, यानी कि आपके पास जो कोलिजन हो रही है वो आपके पास यहाँ पर हुई और इससे पहले आपके पास अप्रोच किया गया, इसके बाद आपसे सेपरेट किया गया, आप सेपरेट हो गए, तो हमारे पास यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट है जो कि कोलिजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है द पैरामीटर, विच इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर फॉर स्टडिंग द कोलिजन, इट इज कोऑफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन, द कोऑफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन, द कोऑफिशिएंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन इज डिनोटेड बाय ई, the coefficient of the restitution is denoted by the small letter e, so sabse pehla kaam hamare paas kya hai, the coefficient of the restitution e is the ratio of relative velocity of separation divided by relative velocity of the approach। जरा देख लेते हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज मुझे यहां पर पता लग जाती है। देखिए यहां पर relative velocity of approach same direction के अंदर जब वेलोसिटीज होती है तो वो आपस में क्या होती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो relative velocity of the approach ये मेरे पास क्या आ जाएगा, u2 minus u1, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, u2 minus u1। नेक्स्ट वन, relative velocity of the separation, तो ये हमारे पास अब v1 बड़ा हो गया, तो v1 minus of v2, तो v1 minus of v2। आगे चलते हैं, इससे हमें क्या पता लगता है, therefore अब बताओ coefficient of restitution किसके बराबर है, v1 minus v2 upon u2 minus u1, एक रेशियो जहां पर याद रखना वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है टारगेट को, और टू सब्सक्रिप्ट किसको रिप्रेजेंट कर रही है प्रोजेक्टाइल को जो हिट करेगी, ये हमारे पास आ गया। तो एक और चीज, नो यूनिट्स नो डायमेंशन, आपके पास ना तो इसकी कोई यूनिट्स हो जाती है और ना ही आपके पास इसकी कोई क्या हो जाती है, डायमेंशन ई की, हम बात किसकी कर रहे हैं, आपके पास स्मॉल ई की। नेक्स्ट वन, the value of the e determines nature of the collision, यानी कि यह हमें बताएगा कि नेचर ऑफ कोलिजन क्या है, यह हमें समझाएगा कि नेचर ऑफ द कोलिजन आपके पास क्या है, कौन the value of e, coefficient of restitution, हमारे पास कॉफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताएगा कि आपके पास नेचर ऑफ कोलिजन क्या है और कैसे काम करती है। देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। नंबर वन हमारे पास अगर ई की वैल्यू वन के बराबर है, ई की वैल्यू वन के बराबर है, देयरफॉर मेरे पास क्या आ जाएगा, यू टू माइनस यू वन
इज इक्वल टू, आपके पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी वी वन माइनस वी टू। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हमारे पास है इन दिस काइंड ऑफ कोलिजन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन, ये हमारे पास है। और इस तरीके से हम यहां पर इस कोलिजन को एक नया नाम देते हैं, एंड दिस काइंड ऑफ कोलिजन इज नोन एज टू बी द इलास्टिक टाइप कोलिजन, द इलास्टिक टाइप कोलिजन या सिंपल इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक टाइप कोलिजन या फिर हमारे पास सिंपल इलास्टिक कोलिजन, जहां पर E की वैल्यू 1 हो और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच किसके बराबर हो जाए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के, तो ये हमारे पास बन जाती है इलास्टिक टाइप कोलिजन। नाउ दिस बिकम्स द इलास्टिक टाइप कोलिजन, बड़ी सिंपल सी बात है। सेकंड वन के अंदर हमारे पास 2 किसके बराबर आ जाएगा, E इज इक्वल टू 0। अब अगर E 0 के बराबर है तो 0 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस U1, ये हमारे पास है E की वैल्यू 0। नेक्स्ट वन, देयरफॉर यहां से क्या पता लग जाता है कि 0 इज इक्वल टू V1 माइनस V2 एंड देयरफॉर V1 इज इक्वल टू किसके बराबर है, V2 के बराबर है। पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि आफ्टर द कोलिजन द टू बॉडीज, जो दो बॉडीज है आपके पास स्टिक्स विद ईच अदर, ये एक दूसरे से जुड़ जाती है, दे स्टिक्स विद ईच अदर एंड दिस कोलिजन इज कॉल्ड, और इस कोलिजन को हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड, दिस कोलिजन इज कॉल्ड द आपके पास परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। मैं आपको समझाता हूं, फॉर एग्जाम्पल आप अगर मान लिया जाए किसी ऑब्जेक्ट जो कि आपके हाथ में होती है वो बुक है और वो जमीन से टकराती है, तो टकराने के बाद क्या वो जमीन से अपने आप को अलग कर पाती है, आंसर है नहीं। एक जोर से एक लाउड साउंड होती है और वो जो आपके पास किताब या कॉपी है जो काफी मोटी है, काफी मैसिव है, वो जमीन से चिपक जाती है कोलिजन के बाद, वो हिल ही नहीं पाती है, और आप ऐसे कोलिजन को क्या बोलते हो, शाबाश बताओ, आप ऐसे कोलिजन को बोलते हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। याद रख लेना, इन द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन आफ्टर द कोलिजन द बॉडी स्टिक विद ईच अदर। नेक्स्ट वन, आफ्टर द कोलिजन द बॉडीज जो बॉडीज है हमारे पास, दे बॉडीज विल मूव विद द सेम वेलोसिटी। They move with the same velocity. ये हमारे पास सेम वेलोसिटी से मूव करेगी। और तीसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, ध्यान से समझना, मेरे पास E की वैल्यू ग्रेटर देन आपके पास 0 है बट लेस देन मेरे पास 1 आ गया। ये ग्रेटर देन 0 है बट लेस देन मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अगर ऐसी चीज हमारे पास आती है तो हमारे पास यहां पर क्या बोला जाएगा, We say that The collision is आपके पास यहां पर क्या आ जाएगा, inelastic आ जाएगा। जो collision है वो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगी, inelastic आ जाएगी। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए, ये चैप्टर याद करने वाला ज्यादा है एज कंपेयर टू समझने वाला। इसमें अगर आपको चीजें याद होगी आप बड़े आराम से क्वेश्चन लगा पाएंगे, और अगर हमें याद नहीं होगी तो हम क्वेश्चन को नहीं लगा पाएंगे। तो हमारे पास कोलिजन यहाँ पर इनइलास्टिक है या परफेक्टली इनइलास्टिक है या सिंपल इलास्टिक है, ये ई के ऊपर डिपेंड करेगा कि ई की वैल्यू क्या है। और ई का नाम क्या है हमारे पास बताओ, ई को बोलते क्या है हमारे पास, कोऑफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन, द को ऑफिशियंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन, ये हमारे पास e की वैल्यू है। और ये हमारे पास क्या है, यूनिटलेस, और साथ ही साथ क्या है, शाबाश बोलो, डायमेंशनलेस। हाँ श्योर है, बोल बेटा क्या चाहिए सर। मेरे को एक एग्जांपल दे दो सर इलास्टिक कोलिजन की। किसके बच्चे? इलास्टिक कोलिजन की सर एग्जांपल दे दो सर। एक इलास्टिक की, यस सर, इलास्टिक कोलिजन तो हमारा पहला वाला था ना। हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हमारे पास एटम्स के अंदर होती है, बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की होगी, जैसे अल्फा पार्टिकल और बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉन की होगी, ऐसी चीजों में होती है, जैसे न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की होगी, इनके अंदर, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होती है। हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो हमारे आसपास का मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जिससे जो आप देखते हो, यहाँ पर अगर कोई भी दो चीजें टक्कर हो करती है तो हमारे पास वो या तो इन इलास्टिक में जाती है या परफेक्टली इन इलास्टिक में जाती है। जो आपके इलास्टिक कोलिजन है ये अजम्पशन है, और ये हमारे पास कहां पर आती है पता है, ये आपके पास माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड, क्वांटम वर्ल्ड, यानी कि जिनको आप देख नहीं सकते हो, उन पार्टिकल्स के बीच में। ठीक है बेटा? यस सर। ये बच्चे, यस सर, और ये हमारे पास बच्चे, इसके अंदर से हमारे पास वही चीज है कि हमको ये चीज एज्यूम करनी पड़ती है। एक न्यूट्रॉन, रीजन, इलास्टिक कोलिजन वहां होगी जहां पर फ्रिक्शन एब्सेंट होगी, क्योंकि चीजों को चिपकने के लिए क्या चाहिए, फ्रिक्शन चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास प्रैक्टिकल, यहाँ पर भी आप प्रैक्टिकली बच्चे बॉडीज जो होती है उनके बीच में फ्रिक्शन काम करती है, लेकिन अगर इलास्टिक कोलिजन है तो फ्रिक्शन एब्सेंट है, तो फ्रिक्शन तो बच्चे हम एब्सेंट कर नहीं सकते, या तो कंट्रोल्ड वे में आप लेके आइए। तो जब दो चीजें जो कि फ्रिक्शनलेस चीजें आपस में टकराती है तो वो कौन सी कोलिजन बन जाती है पता, शाबाश, वो बन जाती है हमारे पास इलास्टिक, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर इम्पॉसिबल है। तो या तो इसके लिए माहौल तैयार किया जाए, या फिर एटम्स के बीच में आप पार्टिकल्स की क्या देखें बच्चे, आप कोलिजन को देखें, वो आपके पास इलास्टिक की कैटेगरी आती है। ठीक है? यस सर। चलो अब हमारे पास आ जाती है, एक्सक्यूज मी सर, रो बेटा सर, इनलास्टिक कोलिजन फिर से रिपीट कर सकते हो? कौन से वाला? परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन। अब बताओ क्या पूछना है इसमें से? सर इसका मतलब फिर से रिपीट कर सकते हो, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ पर एक टारगेट था और हमारे पास यहाँ पर पीछे से कोई प्रोजेक्टाइल आई और ये प्रोजेक्टाइल जाकर इस टारगेट से टकराई और बाद में टकराने के बाद ये दोनों बॉडीज आपस में क्या होगी, जुड़ गई और फिर एक कॉमन वेलोसिटी से आगे की तरफ को चली गई। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, आपके पास परफेक्ट इनलास्टिक कोलिजन। ये आई बात समझ में आई? ठीक है सर, ठीक है। ये दोनों बॉडीज आपस में चिपक जाती है और आफ्टर स्टिकिंग विद ईच अदर दे मूव विद अ कॉमन स्पीड। तभी तो वी वन इज इक्वल टू किसके बराबर है, शाबाश बता दो, वी टू। बस इतनी सी बात सर, बोलो। ठीक है सर। सर फिर मतलब थर्ड केस में क्या होगा फिर, मतलब इतने आपने लिख दिया कोलिजन इन लास्ट, मतलब परफेक्ट नहीं है, लेकिन सर भी उसमें इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास आपके पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरी ऑब्जेक्ट है और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, क्या आपके पास ये प्रोजेक्टाइल है और ये हमारे पास टारगेट है, ये जाकर प्रोजेक्टाइल इस टारगेट से टकराए, ये टारगेट भी चल रहा था और इसमें कुछ ऐसा होता है आपके पास कि इसके बाद प्रोजेक्टाइल और टारगेट के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है यहां से पता लग जाएगा ना आपके पास, या आपके पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है वो लेस देन वन है। इसका मतलब हमारे पास यहां पर अगर इसकी स्पीड 10 और इसकी 6 की थी तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितने के बराबर है, 10 माइनस 6 कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, या हमारे पास किसके बराबर है, 4 के बराबर है। और कोलिजन के बाद होता ऐसा है कि इसकी स्पीड रहेगी 2 की और इसकी स्पीड कितने की रहेगी आपके पास, 3 की। अब बता रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितने के बराबर है, 3 माइनस 2, तो ये कितने के बराबर आ गया, 1 के।
मेरी बात को समझ लो, यह नंबर नहीं है, यह हमारे पास वेलोसिटीज है, यह नंबर नहीं है, यह हमारे पास वेलोसिटीज है। सर वेलोसिटी चेंज होती है फिर? हाँ, आपके पास वेलोसिटी कोलिजन के बाद चेंज नहीं होती क्या? बैट और बॉल की स्पीड चेंज नहीं होती है क्या? यस आया सर, ना, जब यस दो सर, कारें आपस में टकराती है तो उनकी स्पीड पहले जैसे रहती है कि इनमें चेंज आता है? चेंज आता है। डेफिनेटली चेंज होता है। आपकी एक बॉल जाके दीवार से टकरा कर वापस आती है, उसकी स्पीड एक जैसे रहती है कि चेंज हो जाती है? चेंज हो जाती है। कई बार बॉल जो है जमीन से टकरा कर ऊपर ही नहीं उठ सकती, ठीक। अब बताओ यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आगे पर और ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच आगे फोर। अब बताओ यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर आ जाएगा? ऊपर वन और नीचे फोर। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू वन के बराबर है? नहीं। जीरो के बराबर है? नहीं। ये कितने के बराबर है इसकी वैल्यू? आपके वन पास बाई फोर वैल्यू वन से छोटी है, जीरो से बड़ी है, और इस वजह से आप इसको क्या बोलते हो? इन इलास्टिक। ठीक है बच्चे? ओके सर। मतलब सर मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, अगर जब ये दोनों कोलाइड करती है, दो ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल और टारगेट, तो सर मतलब ये फिर इकट्ठे नहीं जाती ना फिर? ये मतलब थोड़ा सा ऐसे कोलाइड करके फिर अलग हो जाती है सर, है ना सर? अलग भी हो सकते हैं हमारे पास, इकट्ठे भी चल सकते हैं, तो डिपेंड करेगा कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। जैसे पिछले केस के अंदर दोनों बॉडीज आपके पास क्या कर रही थी? वो तो इकट्ठे नहीं जा रही थी बच्चे आपके पास, आया ना? पहले में सेकंड में इकट्ठे जा रही थी सर, जब एक बार कोलाइड होगी ना। हाँ बिल्कुल, तो पिछले केस के अंदर चिपक गई थी आपके पास, दे स्टिक ईच अदर, आया ना? यस सर। और यहाँ पर स्टिक नहीं की, इलास्टिक में भी स्टिक नहीं करती है, तो हमारे पास यहाँ पर डिपेंड करता है सिचुएशन का, सिचुएशन हमारे को बताती है और कुछ नहीं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट वन। जैसे हमारे पास फिर से हम इलास्टिक कोलिजन के अंदर आते हैं, इलास्टिक कोलिजन, हमारे पास हम दोबारा से इलास्टिक कोलिजन के अंदर आते हैं। व्हाट इज द इलास्टिक कोलिजन? नंबर वन, हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू वन, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस सेपरेशन इज इक्वल टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच, ये आ जाएगा। दूसरा, द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज, द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ ऑल द बॉडीज बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम, आफ्टर द कोलिजन इज सेम, इज सेम, कोलिजन इज सेम। समझते हैं हम यहां पर, यानी कि M1U1 प्लस ऑफ M2U2 इज इक्वल टू किसके बराबर है? M1V1 प्लस ऑफ M2V2, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज है। सेकेंड वन, थर्ड वन, द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ऑल द बॉडीज बिफोर एंड द आफ्टर कोलिजन इज सेम, बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम, एंड आफ्टर द कोलिजन इज सेम, आफ्टर द कोलिजन इज सेम, आफ्टर द कोलिजन इज सेम। मतलब क्या हो गया? हाफ इंटू M1U1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू M2U2 का स्क्वायर इंटू हाफ इंटू M1V1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू M2V2 का स्क्वायर। यानी काइनेटिक एनर्जी का सम आपके पास कांस्टेंट रहता है। अगर एक बॉडी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेगी तो दूसरी बॉडी उतना ही गेन कर जाएगी, उतना ही गेन कर जाएगी। इस वजह से हम इसको इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में लेकर आते हैं। नेक्स्ट वन, इन इलास्टिक कोलिजन नंबर वन, हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है? जरा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर E की वैल्यू, जो हमारे पास E की वैल्यू है, ये ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन। यहां पर इसका मतलब क्या हो गया? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन
इज लेस देन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कहीं ना कहीं कोई किसी ना किसी चीज का क्या हुआ है, लॉस हुआ है आपके पास, लॉस तो जरूर हुआ है। जरा चेक करते हैं, यहां पर आपके पास सेकेंड पॉइंट मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एम वन यू वन प्लस ऑफ एम टू यू टू इज इक्वल टू एम वन वी वन प्लस ऑफ एम टू वी टू, हमारे पास यहां पर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हमारे पास यहां पर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व, ये बिल्कुल भी आपके पास कंजर्व नहीं है, लॉस हो गया, कोई किसी किस्म का लॉस हो गया। तो बच्चा बोलता है सर ये लॉस कहां चला गया, जब दो चीजें टकराती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, यस और नो? यस सर। क्या दो बॉडीज डिफॉर्म कर जाती है कई बारी, हाँ या ना? यस सर। मतलब गाड़ी पे डेंट पड़ जाता है, आवाज भी आती है जब दो चीजें टकरा जाती है आपके पास, कई केसेस में लाइट यानी रोशनी भी निकलती है जैसे दो पत्थर को टकराती है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, तो ये एनर्जी या तो साउंड एनर्जी में चली गई, या ये एनर्जी डिफॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर चली गई, या फिर ये आपके पास लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हुई। अब यहां आ जाओ, क्या इलास्टिक कोलिजन में जब दो चीजें टकराएंगी तो आवाज होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या लाइट प्रोड्यूस होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी तो बोला गया शौर्य कि इलास्टिक कोलिजन हमारे आसपास नहीं हो सकती, नहीं, और अगर करनी है तो बहुत कंट्रोल्ड वे में करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर कहां पर होती होगी? एटम्स के अंदर, न्यूट्रॉन्स के, जहां पर फ्रिक्शन एब्सेंट है हमारे। चलो अब आगे चलते, यानी कि यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू एम टू यू टू का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हाफ इंटू एम वन वी वन का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू एम टू इंटू वी टू का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कभी भी कंजर्व नहीं रही। कौन सी कोलिजन की बात कर रहा हूं बच्चे? मैं बात कर रहा हूं यहां पर इनइलास्टिक कोलिजन की। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में भी सेम यही चीज होगी, सिर्फ एक चीज का फर्क होगा। बताओ किस चीज का? E की वैल्यू का। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है तो हमारे पास E की वैल्यू जीरो के बराबर है, यानी कि हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन ये हमारे पास जीरो के बराबर है, बॉडी स्टिक हो जाएगी एक दूसरे से, और आपके पास मोमेंटम मेरे पास कंजर्व रहेगा। एंड नेक्स्ट वन, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, आपके काइनेटिक एनर्जी में कंजर्वेशन प्रिंसिपल नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखें। और वो सिर्फ किस पे लगेगा? हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक। फटाफट रिवीजन करते हैं, हमारे पास कोलिजन कितनी तरह की है? इलास्टिक, इनइलास्टिक और तीसरा परफेक्टली इनइलास्टिक, ये तीन तरह की कोलिजन है, यस और नो? ये तीन तरह की कोलिजन है। ई की वैल्यू क्या है बच्चे? वन, आपके पास ई ग्रेटर देन जीरो, लेस देन वन, और ये जीरो। क्या मोमेंटम कंजर्व है? मैं मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, क्या कंजर्व है? टिक का मतलब यस, यस और यस। नेक्स्ट वन, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है? यस, नो और बच्चे आपके पास बस इतनी सी बात याद करनी, बस अगर आप इतनी सी बात याद कर ले, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के डायमेंशन याद कर ले, डायमेंशन लेस है, या ये याद कर ले कि उसकी डेफिनेशन क्या है, स्कूल में इसके ऊपर टीचर पूछेगा ही, स्कूल में टीचर इसके ऊपर कोई चीज इसके ऊपर पूछेगा ही नहीं डेफिनेशन के अंदर, या फिर वो बोलेगा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के कैरेक्टरिस्टिक बताओ तो हम निकाल देंगे, या फिर वो बोलेगा भाई कंपेयर करो किस किस को, परफेक्टली इनइलास्टिक को और इलास्टिक को, तो कंपेयर कर देंगे भाई, ये जीरो है ये वन है, मोमेंटम दोनों का कंजर्व है,
एक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है लेकिन दूसरे में यानी परफेक्टली इलास्टिक में नहीं होती हमारे पास। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट। अब हमारे पास यहां पर आ जाती है डेरिवेशन, डेरिवेशन। और डेरिवेशन हमारे पास क्या है यहां पर, दे डेरिवेशन इज फॉर वन डी वन डायमेंशनल कोलिजन, कोलिजन इलास्टिक, इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, जहां पर ई की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर होती है, वन के बराबर। वन डायमेंशनल कोलिजन बिटवीन द इलास्टिक, जो कि कोलिजन हो रही है बिटवीन द टू मासेस, बिटवीन द टू मासेस, बिटवीन द टू मासेस, दो मासेस की। जरा चेक कर लेते हैं, सपोज मेरे पास यहां पर वी हैव टू बॉडीज, टू बॉडीज मूविंग विद, मूविंग विद, मूविंग विद u1 and u2, u1 and u2 with u2 greater than u1 in same direction, in the same direction, in the same direction। हम इसको सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं बच्चे, और इनकी वेलोसिटी किसके बराबर है, u1 minus u2, u2 greater than u1 है, तो ये किसकी आपके पास आ जाती है, प्रोजेक्टाइल, जिस जो हिट करेगा। और u1 हमारे पास किसकी वेलोसिटी है, टारगेट। दे ऑब्जेक्ट, दे ऑब्जेक्ट्स कोलाइड्स विद ईच अदर, दे ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर, विद ईच अदर इलास्टिकली इज इक्वल टू वन एंड देन सेपरेट्स, and then separates with velocity, with velocity v1 and v2। और यहां पर अब v1 greater than v2 आ जाएगा, और यहां पर v1 greater than v2 आ जाएगा। ये एक सिचुएशन, क्योंकि हम इलास्टिक कोलिजन की बात कर रहे हैं। देयरफॉर यहां पर पिक्चर में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास मास आ गया m2 जो कि प्रोजेक्टाइल है, स्पीड आ गई u2, ये मास मेरे पास आ गया m1, वेलोसिटी आ गई u1। यहां पर मेरे पास या ये मास आ गया m2, वेलोसिटी आ गई v2, ये मास आ गया m1, वेलोसिटी कितनी आ गई v1, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहां पर टारगेट m1 है, प्रोजेक्टाइल m2 है, टारगेट M1 है, प्रोजेक्टाइल आपके पास M2 है। ये हमारे पास कोलिजन हो जाती है। इस कोलिजन के बाद अगर देखा जाए, इस कोलिजन के बाद अगर देखा जाए हमारे पास, तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, शाबाश बताते हैं। हम बोलेंगे m1 u1 plus of m2 u2 is equal to m1 v1 plus of m2 v2। ये हमारे पास यहां पर क्या आ गया, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। ये हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आ जाता है। ये पहली चीज है। और क्या यहां पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी आपके पास, जरा चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, बाय कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, बाय द कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, मेरे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी, हाफ इंटू एम वन यू वन का स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू एम टू यू टू का स्क्वायर is equal to half m1 v1 square plus of a half into m2 v2 का square। ये equation number 2 है और ये equation number मेरे पास बना है। ये हमारे पास equation number 2 और ये हमारे पास equation number क्या आ गई, 1 आ गई। चलो अब आगे क्या करें, आगे हमारे पास अब इसमें से मुझे v1 और किसकी वैल्यू निकालनी है, v2 की वैल्यू निकालनी, निकाल कर बता देते, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत आसान चीज है हमारे पास। कैसे आएगी मैं समझा देता, देखते हम यहाँ पर। नेक्स्ट, सिंस क्योंकि ये हमारे पास कोलिजन क्या थी,
द कोलिजन इज इलास्टिक, क्योंकि ये कोलिजन मेरे पास इलास्टिक है, तो आपके पास E की वैल्यू किसके बराबर है, V1 माइनस V2 अपॉन U2 माइनस V1। E की वैल्यू आपके पास किसके बराबर है, 1 के बराबर। E की वैल्यू मेरे पास 1 के बराबर है। अगर E की वैल्यू 1 के बराबर है तो जल्दी बता दो U2 माइनस U1 किसके बराबर है, V1 माइनस V2। ठीक है, यहां से अब सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या देखा, मैं यहां से सबसे पहले यहां पर V2 की वैल्यू निकालता हूं, V2 किसके बराबर आ जाएगा, ये वाला V2, या देखो चेक करो V2 किसके बराबर है, तो आपके पास V2 किसके बराबर आ जाएगा, V1, मैं V2 को यहां पर ले जाता हूं और U2 और U1 को यहां ले जाता हूं, तो V2 पॉजिटिव का आ जाएगा, V1 माइनस ऑफ U2 प्लस ऑफ U1, तो V2 इज इक्वल टू V1 माइनस ऑफ U2 प्लस ऑफ क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर U1 आ जाएगा। अब चलते हैं आगे और समझते हैं, देयरफॉर अब इसकी वैल्यू मुझे किस में डालनी है, 1 में डालनी, पुटिंग इन वन इसकी वैल्यू मैं अगर 1 के अंदर डालू थर्ड वाले की, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा देखिए मुझे यहां पर अब V2 एलिमिनेट करना है, तो मेरे पास देखिए क्या आ जाएगा, मेरे पास आएगा M1U1 M2U2 is equal to, एक मिनट रुकेगा, ओके सो हमारे पास यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दू, 1 के अंदर पुट कर दू, M1U1 प्लस ऑफ M2U2 इज इक्वल टू मेरे पास कितना है, M1V1 प्लस ऑफ M2V2, तो V2 मेरे पास V1 माइनस U2 प्लस ऑफ U1। अब ये डेरिवेशन आपको 5 नंबर की आती है, M2U2 अब इज इक्वल टू M1V1 प्लस ऑफ M2V1 माइनस ऑफ M2U2 प्लस ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, M2U2। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो इन चीजों को मुझे अंडरस्टैंड करना और देखना है, M1U1 और ये हमारे पास है V1 है। अब जरा ध्यान से देखते और फोकस करते, सबसे पहला काम क्या, मेरे पास M1V1 M2U2 और यहां पर मेरे पास सारी की सारी चीजें, इनको जरा अरेंज करके देखते, अगर मैं इनको थोड़ा सा अरेंज करूं तो मुझे क्या चीज समझ में आती है। देखिए आप सबसे पहले M1V1 और इसको एक तरफ रहने दीजिए, तो मैं इसको एक तरफ रहने देता हूं, यानी M1V1 प्लस ऑफ मेरे पास M2V1 ये एक तरफ रहने देते, बाकी को दूसरी तरफ ले जाते। अगर मैं इसको यहां पर लेके गया तो पॉजिटिव, ये लेके गया तो नेगेटिव, जल्दी से अगर मैं इसको लेके जाता हूं तो मेरे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, फोकस करिए, तो मेरे पास आ जाएगा M1U1 माइनस ऑफ मेरे पास M2U1 प्लस ऑफ यहां पर देखते हैं, ये मेरे पास माइनस M2U2 है, ये प्लस ऑफ M2U2 है, यहां पर आकर ये क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 into आपके पास M2U2, यहां से V1 कॉमन निकल जाएगा और V1 कॉमन निकल जाएगा, यहां पर मेरे पास M1 माइनस M2 और यहां पर मेरे पास आ गया U1 फिर देखिए U1 प्लस ऑफ 2 M2U2 एंड अपॉन M1 प्लस ऑफ M2। ये कोलिजन के बाद इन दोनों की इसकी क्या है, आपके पास वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर द कोलिजन, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी। इसी तरीके से अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं बच्चे, फोकस करना, सिमिलरली यूजिंग
आपके पास यहाँ पर यूज करना है इक्वेशन नंबर आपके पास थर्ड. सिमिलरली यूजिंग द थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड. अब मैं आपको तरीका बता रहा हूं वी टू निकालने का. फोकस करना मुझे वी टू निकालना. इस वी टू के लिए सबसे पहले मैं लाइन खींचूंगा, नीचे एम वन प्लस एम टू आना ही आना, नीचे एम वन प्लस एम टू आपके पास आना ही आना, ये कंपल्सरी. अब ऊपर मेरे पास ये V2 है तो ऊपर आएगा M2 माइनस M1. ये V2 है तो यहां पर U2 आ जाएगा, प्लस ऑफ 2 इंटू M1 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा U. इतनी सी चीज. अगर ये चीज मुझे यहां पर पता लग जाए, ये चीज मुझे अगर यहां पर याद हो जाए तो मेरे लिए तो काम करना बड़ा ही इजी हो जाएगा. मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि काम कैसे करना है. देखो आपको या तो स्मार्ट वर्क करना है या फिर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है. अगर हार्ड वर्क करना है तो उसकी तो कोई तय लिमिट ही नहीं है. स्मार्ट वर्क करना है तो भैया मुझे फॉर्मूला निकालना आना चाहिए और मैं फॉर्मूला किसी भी तरीके से निकाल सकता हूँ. देखिए मेरे पास यहां पर ये मास आ गया एम टू, ये वेलोसिटी आ गई यू टू, ये मास आ गया एम वन, वेलोसिटी मेरे पास यू वन. टीचर बोलता है कोलिजन के बाद M2 की वेलोसिटी हो जाती है V2 और M1 की वेलोसिटी क्या आ जाती है V1. करना कैसे देखो मैं बताता हूँ. V1 निकालना है, V1 पहले लाइन खींचो नीचे M1 प्लस M2 कर दो, नीचे नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा M1 प्लस ऑफ M2 आ जाएगा, नीचे हमारे पास यहाँ पर M1 प्लस M2. ये मेरे पास M1 है, ये मेरे पास U1 है. मैं M1 की बात कर रहा हूं, M1 तो आपको अब करना क्या है, M1 माइनस M2, M1 माइनस M2, M1 क्योंकि ये V1 था, मल्टीप्लाइड बाय आपके पास यहां पर क्या है मल्टीप्लाइड बाय U1 आ जाएगा, प्लस ऑफ 2 इंटू M2 इंटू U2. ये याद करने का तरीका है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये याद करने का तरीका है. इससे आप किसी भी लेवल के क्वेश्चन को कर सकते हो. और फिर मेरे पास V2 निकालनी है, इस वजह से नीचे तो आपके पास M1 प्लस M2 आएगा, ऊपर क्या आएगा V2 है ना, तो M2 माइनस M1 क्यों, क्योंकि V2 है और V2 है तो पहले में U2 आ जाएगा, प्लस ऑफ 2 इंटू M1 इंटू U1. ये अब मेरे पास फॉर्मूला याद करना मुझे पड़ेगा, या तो मैं रट्टा लगाऊं या मैं टेक्निक से याद करूं, लेकिन ये बात सच है ये फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और जिस बच्चे को याद है वही क्वेश्चन लगा पाता है. बाकी हमारे पास बच्चे इसमें से फिगर आउट ही नहीं कर पाते कि क्वेश्चन करना कैसे आपके पास. ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन कैसे होगा ये हम कर ही नहीं पाएंगे बच्चे. ये हमारे पास V1 है और दूसरा हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है V2 के बराबर है. एक मेरे पास यहाँ पर V1 है और दूसरा बच्चा हमारे पास यहाँ पर V2 के बराबर है आपके पास. चलते हैं आगे और अंडरस्टैंड करते हैं बच्चे हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट वन है हमारे पास. अब ये याद होना चाहिए कल तक अगर ये याद नहीं हुआ तो बेटा फिर हम न्यूमेरिकल में फंसते जाएंगे. 10 बार इसको लिख के देखो आराम से याद होगा. देखो मैंने भी टेक्निक लगाई हुई है और बच्चे हमारे पास यहाँ पर हम धीरे धीरे चीजों को समझ पाते हैं. मैं 10 बार लिख के देखूंगा तो मुझे याद होगा. अगर मेरे पास मैं इसको नहीं लिख के देखूंगा तो आपके पास यहाँ पर इसके ऊपर कभी भी कोई भी काम नहीं हो पाएगा. अगर मेरे को याद करना है तो बच्चे मुझे पेन होनी चाहिए भाई कि मुझसे याद क्यों नहीं हो पा रहा है कि मैं यहाँ पर ये देखो वन है ना वी वन, देखो एम वन फिर यू वन, यहां पर वी टू है तो एम टू और यहां पर यू टू, टू एम टू यू टू, टू एम वन यू वन, बस इतनी सी तो बात करनी है. नीचे एम वन प्लस एम टू दोनों में क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है. अगर मैं ये फॉर्मूला सीख गया तो मैं कोई भी क्वेश्चन कर पाऊंगा. कैसे राइट डाउन ए क्वेश्चन सर. हाँ बोलो चेंज कर देंगे उसका. हाँ बोलो. हाँ चेंज कर देंगे ना आपके पास बच्चे, ये देखो सही, ये चेंज कर देंगे आपके पास. यही तो टेक्निक है. अगर आपको टेक्निक पता, ये तो हमने डिराइव कर लिया. अब ये है कि बच्चा आपने अगर स्कूल के अंदर नंबर लेने हैं और लेकिन आपको ये भी है कि मेरे को काम भी, तो आप सिमिलरली करके लिख लीजिए. अब एक चीज है सूरज गर्म है, इस बात को या तो आप मान लो या धूप में जाके खड़े हो जाओ.
या तो मेरी बात मान लो या धूप में जाके खड़े हो जाओ, या मैं आपको बोलता हूँ कि भाई अगर आप हेलमेट नहीं पहन के जाओगे तो चलान होगा, या तो मेरी बात मान लो या फिर चलान करवाओ। कई सर आप ठीक बोल रहे थे, तो वैसे ही है बच्चे, आपको V1 और ये V2 मुझे निकालना, और ये V1 V2 निकालने की यही टेक्निक है। ठीक, आपको देखना पड़ेगा M2 कहाँ आ रहा है, M1 कहाँ आ रहा है, 2M1 U1 यहाँ पर 2M2 U2। बड़ा आसान है, बहुत बहुत आसान है आपके पास। देखो ना मैं आपको बताता हूँ, देखो कुछ भी नहीं है। फिर देखो ये मास मान लो आपके पास आ गया M, ये मास मेरे पास आ गया 2M। मान लो मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, टीचर बोलता है जी कोलिजन से पहले ये चल रहा था आपके पास 10 मीटर पर सेकंड पे, पीछे वाला मास चल रहा था 12 मीटर पर सेकंड पे। टीचर बोलता है कि कोलिजन के बाद बताओ 2m की वेलोसिटी क्या होगी और m की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये टीचर पूछता है। कोलिजन हमारे पास साथ में टीचर बोल भी देता है कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। हमारे पास कौन सी कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन, और मुझे कोलिजन के बाद बताना कि यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या रह जाएगी 2m के और m। जरा चेक करते, बड़ी सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन फोकस करना, ध्यान से देखना। मेरे पास यहां पर ये 2m है, इसकी वेलोसिटी मेरे पास मान लो v1 है। अब देखो v1 इज इक्वल टू नीचे दोनों का मास आएगा m प्लस ऑफ 2m, दोनों का मास आएगा, वो तो आना ही आना। मुझे अब वेलोसिटी किसकी निकालनी है आपके पास 2m की, 2m की, इस वजह से 2m दूसरा माइनस m आ जाएगा, समझो। और फिर मेरे पास ये जो 2m है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितने के बराबर थी, 10 के बराबर, प्लस ऑफ जो दूसरा मास है वो m है, इसलिए 2 फॉर्मूले का हिस्सा है, मास m है मेरे पास और वेलोसिटी कितने की है मेरे पास 12 की थी। तो v1 किसके बराबर आ जाएगा, वी हैव 10m प्लस ऑफ मेरे पास 24m अपॉन मेरे पास कितना आ जाएगा 34/3 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड रह जाएगी, 34 मीटर पर सेकंड की, यानी कि 11 point something की इसकी वेलोसिटी रह जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 11.33 के आसपास इसकी वेलोसिटी रह जाएगी। तो हमारे पास यहां पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी 11.33 मीटर पर सेकंड। मैं बात करता हूं m2 की, तो वेलोसिटी किसके बराबर है v2। अगर मैं v2 को निकालने जाऊं, देखो फोकस करना है, v2 v2 का मास कितने के बराबर है बता दो बच्चे, हमारे पास m के बराबर है, m माइनस ऑफ दूसरा मास कितना है 2m, ये ऐसे करना है। अब जो आपके पास m मास है इसकी वेलोसिटी कितने के बराबर है 12, ये आ जाएगा 12 प्लस ऑफ दूसरा 2 into 2m, क्योंकि दूसरे मास की बात हो रही, और इसकी वेलोसिटी पहले की कितने की है 10 डिवाइडेड बाय 3m, m प्लस ऑफ 2m 3m आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अगर हम, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आएगा माइनस 12 प्लस ऑफ माइनस 12m प्लस ऑफ यहाँ पर 40, तो 40m अपॉन मेरे पास कितना आ जाएगा 3m, तो 40 माइनस 12 कितने के बराबर होता है, 40 माइनस ऑफ 12 कितने के बराबर हो जाता है बताओ, शाबाश, ये आपके पास आ जाएगा 20, तो 28/3 यानी कि आपके पास 9.33 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड है। अगर फॉर्मूले याद है तो यार तुम्हारे लिए ये क्या मुश्किल क्वेश्चन है, और फॉर्मूले याद नहीं है तो आप भी 90% बच्चों की तरह यही बोलोगे अरे यार मैं इस फॉर्मूले को याद कर लेता ना तो मेरा क्वेश्चन हो जाता। बेटा सबसे पहले फॉर्मूला याद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, अगर मुझे फॉर्मूला याद है तभी कोलिजन पे क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएंगे। तो हमारे पास यहां पर नहीं क्वेश्चन हो पाएंगे जब तक मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा, मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है और मुझे क्वेश्चन करके दिखाने भी और बताने भी क्या आपके पास इसके क्वेश्चन किस तरीके से होंगे। नेक्स्ट वन, जैसे कि ये मैंने आपको एक सैंपल न्यूमेरिकल करा दिया कि कैसे मासेस को कैसे कैसे यूज करना है। V1 के लिए आपके पास हमने 2m को क्यों यूज किया और V2 के लिए हमने m को ही क्यों यूज किया, ये सारी चीजें दोबारा फिर हर क्वेश्चन के अंदर बार बार रिपीट हो जाएगी। नेक्स्ट वन, एनी काइंड ऑफ कोलिजन, ये बच्चा हमारे पास किसी भी तरह के कोलिजन के लिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं।
किसी भी तरह के कोलिजन। जब चेक भी कर लेते हैं नेक्स्ट वन, एनी काइंड ऑफ कोलिजन जहां पर हमारे पास ए की वैल्यू आपके पास आएगी, और ई की वैल्यू आपके पास क्या बच्चे, ये कुछ भी हो सकता है, ये जनरल सा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला इज नॉट फॉर योर स्कूल। ये फॉर्मूला बच्चे बिल्कुल भी स्कूल का नहीं है, ये फॉर्मूला हमारे पास टेक्निक के ऊपर है जिससे आप किसी भी तरह के कोलिजन के क्वेश्चन कर सकते हो या चेक करते हो। मेरे पास ये मास एम वन है, वेलोसिटी यू वन, मास मेरे पास एम टू है, वेलोसिटी मेरे पास यू टू, यहां पर मेरे पास मास एम टू आ गया, वेलोसिटी मेरे पास वी टू आ गया, ये मास मेरे पास एम वन आ गया, वेलोसिटी मेरे पास वी वन। मैं जर्नल फॉर्मूला लिख रहा हूं, मैं जर्नल फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए v1 m1 के इसलिए m1 माइनस m2 माइनस ऑफ m1 माइनस ऑफ e आपके पास m2, और यहां पर मेरे पास आ जाएगा u1 जो पहले इसकी स्पीड थी, प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ e का फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय m2 इनटू u डिवाइडेड बाय, नीचे मेरे पास वैसे आएगा m1 प्लस ऑफ m2। नीचे मेरे पास सेम आ जाएगा, और ये हमारे पास किसके बराबर है, एम वन प्लस ऑफ एम टू, याद रखिएगा। यहां पर वी टू की वैल्यू किसके बराबर है, एम टू माइनस ई आपके पास एम वन इंटू यू वन प्लस ऑफ वन प्लस ऑफ ई इंटू मेरे पास क्या आ जाएगा, एम वन यू वन अपॉन, नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा, एम वन प्लस ऑफ एम टू। ये जर्नल सर यहाँ पर यू टू चेंज, यू टू नहीं होगा यहाँ पर, हाँ यू टू होगा, एक हाँ यू टू होगा, ठीक है, थैंक यू पार्थ। यहाँ पर मेरे पास e की वैल्यू अगर आप वन डाल देते हो तो ये सारा रिजल्ट किस पे चला जाएगा, इलास्टिक कोलिजन पे। अगर आप e की वैल्यू जीरो डाल देते हो तो ये हमारे पास किस पे चला जाएगा बताओ, शाबाश, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन पे चला जाएगा। और अगर e की वैल्यू जीरो से बड़ी और वन से कम दे रखी है तो ये वैल्यू आपके पास सिंपली किस पे चली जाएगी, इन इलास्टिक, ये हमारे पास किस पे चली जाएगी, इन इलास्टिक पे चली जाएगी, ये हमारे पास किसके ऊपर चली जाएगी बच्चे, आपके पास इन इलास्टिक के ऊपर चली जाएगी, ये हमारे पास किस पे चली जाएगी, इन इलास्टिक पे चली जाएगी, ये हमारे पास, ये आपके पास यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर अगर मेरे पास यहाँ पर इस सिस्टम को लेके आया जाए तो आप अब कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला वैलिड किसके लिए, ये फॉर्मूला वैलिड है सिर्फ कौन सी टाइप के कोलिजन के लिए बताओ, शाबाश, वन डायमेंशन। और इसमें आप e की वैल्यू डालते जाना, क्वेश्चन का आंसर हो, मैं बोल रहा हूं कभी गलत नहीं होगा। ये मैंने आपको जनरल फॉर्मूला मतलब तोप करवा दी, अब इस तोप के गोले से आप जो मर्जी काम करते रहो, जैसा मर्जी काम करते रहो, इलास्टिक है तो इलास्टिक, इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक है या कुछ भी है, अब आप बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे, मेरे पास यहां पर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, ये मेरे पास एक 6 केजी का मास है, ये हमारे पास चल रहा है आपके पास सर 10 मीटर पर सेकंड से, इसके पीछे भी मेरे पास एक 6 केजी का मास है और ये चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड से। आपको बताना अगर ये कोलिजन इलास्टिक है, अगर मेरी कोलिजन इलास्टिक है तो आपने ये बताना है 6 केजी का मास और पीछे वाले 6 केजी का मास आफ्टर द कोलिजन क्या रहते हैं, शाबाश, मैं आपके लिए, और e की वैल्यू यहां पर 1 है, बताओ कैसे करोगे। मुझे v1 निकालना है, v1 इज इक्वल टू 6 माइनस 6, तो 6 माइनस 6 इंटू यू वन, तो ये तो 10 के बराबर था, प्लस ऑफ 2 इंटू एम टू, ये 6 के बराबर है, इंटू आपके पास यू टू, ये तो 15 के बराबर है, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 6, तो 6 प्लस 6 कितना होता है 12, तो हमारे पास पहली टर्म 6 माइनस 6 0, 0 प्लस ऑफ 12 इंटू 15 अपॉन 12, तो बताओ आपके टारगेट की स्पीड कितनी होगी, 15 मीटर पर सेकंड, ये 15 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू कर दे, और जो प्रोजेक्टाइल जो पहले 15 से चल रही थी v2, 6 माइनस 6 इंटू 15 अपनी वेलोसिटी, 2 इंटू 6 इंटू 10
दूसरे की वेलोसिटी डिवाइड बाय 6 + 6। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 10 m/s। क्या पता लगा? यहां पर मुझे एक चीज पता लगी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे पास क्या चीज है, फोकस करना। हमारे पास वो चीज कुछ इस तरीके से है, याद रखना। और हमारे पास वो ये है कि when two bodies of the same mass collides, ये आपके पास कोलाइड कर जाती है इलास्टिकली। ये भी है कि ये हमारे पास इलास्टिकली आपके पास कोलाइड कर जाती है इलास्टिकली, then velocities are exchanged, इनकी वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। तो वेलोसिटी है बच्चा हमारे पास एक्सचेंज हो जाती है, जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या हो जाती है, एक्सचेंज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखना दोनों बॉडीज का मास क्या होना चाहिए, सेम है। और दूसरी बात, कोलिजन आपके पास क्या होना चाहिए, इलास्टिक। सेम मास इलास्टिक कोलिजन, जिसके पहले 10 feet थी वो 15 हो गई, और जिसके पहले 15 थी वो आपके पास 10 हो गई। यानी कि ये अपनी वेलोसिटी पीछे दे देगा, ये अपनी वेलोसिटी इसको आगे दे देगा, ठीक। चलिए, सो आज के लिए हम इसको इतना करते हैं। आपका काम आज क्या है, फॉर्मूले को याद करना, और कल फिर हम इसके ऊपर फर्दर चीजों को अंडरस्टैंड करें।